ब्रेक में कहाँ गायब हो गए थे? यार मैं अपने क्रेडिट कार्ड का बिल और फोन का बिल भरने गया हुआ था। बिल भर दिया? हाँ। इतना लंबा ब्रेक तो नहीं लेते हम? नहीं बट मतलब इतनी जल्दी कैसे? अरे बस यही तो है। हा। अच्छा बताओ, ज्यादा ना एक्टिंग मत करो, बताओ इतनी जल्दी कैसे? इतनी जल्दी कैसे? हाँ। मेरे पास जो है मेरा एक ऐसा तकनीकी दोस्त है जो मेरे सारे काम छट से एकदम आसान कर देता है। मतलब तुम अपना बिल सेंटर अपने साथ लेकर चलते हो? मेरा बिल सेंटर है, मेरा लैपटॉप और इंटरनेट, मतलब ऐसा उसके थ्रू मैं अपने फोन का बिल, अपने क्रेडिट कार्ड का बिल फड़ाक देती, बस कुछ बटन दबा के, और यू नो ट्रांजेक्शन एकदम ओके हो जाती है और मेरा बिल भर जाता। हाँ ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये सब जो फैसिलिटीज है इनसे कितना आराम हो गया ना, बिल भरने के लिए लंबी लंबी लाइनें नहीं लगानी होती। अरे नहीं तो मुझे याद है भाई साहब, जब मैं पहले बिल जमा करने जाता था है, मतलब नहा के निकलो, लाइन में खड़े हो जाओ, और आधे रास्ते पहुंचते पहुंचते आपको लगता था ओ मैं नहाया तो था लेकिन कैसे अजीब सा लग रहा है ना, सही सूख जाते हो आप। लेकिन एक बात ये भी सोचो विशाल कि ये जो फैसिलिटीज हैं ये तो बड़े बड़े शहरों में ही हैं, मतलब रिमोट एरियाज में, छोटे एरियाज में तो अभी भी इनकी कमी है। ये तो है, इनफैक्ट ये सब तो बहुत एडवांस स्टेजेस हैं, बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है। गांव में जाओ, दूर दराज के इलाकों में जाओ, इसलिए तो वहां पर और भी ज्यादा परेशानियां हैं। मतलब मैं समझा नहीं। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरी कॉलोनी में जो प्रेस करता है उसकी जो वाइफ है वो उसके गांव में रहती है, ठीक है, तो वहां पर वो बीमार पड़ गई। अब क्योंकि वहां पर बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, उपचार के अच्छे तरीके नहीं है, इसलिए पता नहीं चला कि प्रॉब्लम क्या है, तो उसकी हालत जो है और भी ज्यादा सीरियस हो गई। फिर जब वो उसको शहर लेकर आया, यहाँ पे जब ढंग से इलाज हुआ तो पता चला कि ये बहुत मेजर प्रॉब्लम हो सकती थी, काफी फेटल हो सकता था अगर सही समय पर इलाज ना किया जाता तो। काश यार मतलब ऐसे लोगों की मदद हम कर पाते। अगर ठान लो तो जरूर कर सकते हैं। अब डॉक्टर प्रसून को ही ले लो। डॉक्टर प्रसून? डॉक्टर प्रसून एक ऐसी शख्सियत है जिनका पूरा प्रयास यही रहता है कि इलाज के मामले में किसी को कहीं भी कोई अभाव ना हो, और उसके लिए वो वेबसाइट और फोन के जरिए मदद करते रहते हैं। ओह यू मीन वो ये करते हैं कि जैसे अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसका इलाज कहाँ पर होता है प्रॉपर और कहाँ फ्री में होता है सरकारी हॉस्पिटल वगैरह में, तो वो गाइड करते हैं लोगों। बिल्कुल, कम से कम ऐसी मदद तो हम कर ही सकते हैं। हम खुद तो डॉक्टर नहीं बन सकते किसी का इलाज करने के लिए, लेकिन हाँ उस जगह तक तो पहुँचा ही सकते हैं। कमाल है, मतलब डॉक्टर प्रसून और इनका जो ये काम है ये तो बहुत ही काबिल तारीफ है। प्लीज हमें मिलवाओ यार। बिल्कुल, तो चलो तुम्हारी ये हम इच्छा पूरी कर देते हैं, आपको भी मिलाते हैं डॉक्टर प्रसून से। जिंदगी कब किस मोड़ पर बदल जाए ये कोई नहीं जानता। किशोरी प्रसाद काफी साल से दिल्ली में फलों की रेड़ी लगाकर अपना गुजर बसर करते हैं। इस काम में बहुत कमाई तो नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी से उन्हें कोई शिकायत भी नहीं। अचानक एक दिन उनके शरीर में हुए छोटे से जख्म ने उन्हें एक बड़ी तकलीफ के सामने ला खड़ा किया। हमें जाकर पैर में तकलीफ था 2 साल से, हम इधर उधर भटकते थे, सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कोई 60,000, कोई 70,000 रुपया, कोई 80,000 रुपया भी मांगे, हम गरीब आदमी नहीं दे पाए। इसी बीच में हमें डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, डॉक्टर साहब के माध्यम से राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हमें ऑपरेशन हुआ जो कि अभी 95% ओके है और हम बिल्कुल स्वस्थ है, अभी चलने फिरने लायक है और काम हम कर रहे हैं। इन्हीं की तरह बिहार के विपुल कुमार की जिंदगी भी उनसे रूठ गई थी। आइसक्रीम बेचने वाले विपुल की जिंदगी उस दिन कड़वी हो गई जब एक हादसे की वजह से उनका शरीर लाचार हो गया और रोजी रोटी खतरे में आ गई। मैं असम में 2005 में असम गया था, वहाँ पर कुआं पर फिसल गया था, तो मैं पटना आया, पटना आकर के ऑपरेशन करवाया और 2007 में इसमें से स्टील निकलवा लिया। स्टील निकलवाने के बाद मैं बहुत बढ़िया था, चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं था, लेकिन इधर ये 10 महीना से बहुत ज़्यादा पैर में दर्द होने लगा, दर्द के वजह से मैं चल नहीं पाता था। जब तक मैं ऑपरेशन नहीं करवाया तब तक मैं अपाही बन गया था, अपाही बन गया था। डॉक्टर साहब ने सहयोग किया, उन्हीं के सहयोग से मेरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मैं काफ़ी ठीक हो गया हूँ। अब अपना मैं रोजी रोटी में लग गया हूँ, मैं बढ़िया पैसा कमा रहा हूँ, अब हमें कोई परेशानी नहीं है। विपुल और किशोरी जैसे कितने ही हजारों लोग दिल्ली में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं,
किस बीमारी के लिए कौन सा अस्पताल और कौन से डॉक्टर सही हैं, इसकी जानकारी ना होने की वजह से बड़े बड़े अस्पतालों के लंबे लंबे पर्चों में फंसकर अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। ऐसे ही लोगों की तकलीफों की दवा बनकर आए डॉक्टर प्रसून। मैं गंगाराम हॉस्पिटल में आज से पहले काम कर रहा था। रात्रि का समय था, लोग बिहार, यूपी, हरियाणा हर तरफ से आते हैं और यहाँ इलाज कराते हैं और चले जाते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हॉस्पिटल में बेड तो लिमिटेड है। अब बीइंग प्राइवेट हॉस्पिटल, ओवरलोडेड पेशेंट को तो आप इंटरटेन कर नहीं सकते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, कुछ पेशेंट्स को दूसरे जगह भेजा जाता है कि भाई हमारे पास बेड नहीं है, आपको कहीं और शिफ्ट होना। वैसे मरीजों को हेल्प की जरूरत पड़ती है, वैसे मरीजों और ज्यादा अटेंडेंट परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक तो ऐसे ही दुखी हैं मरीज के परेशानी से और साथ में जो है बेड ना होने के कारण इनकी परेशानी और बढ़ जाती है। ऐसी ही अनसुलझी परेशानियों को देखते हुए डॉक्टर प्रसून ने कुछ करने की ठानी और लोगों को मुफ्त में ही काउंसलिंग करना शुरू किया। एक नई सोच की बदौलत कई समस्याएं धीरे धीरे सुलझने लगी। हमारे यहाँ के लोगों में एक टेंडेंसी है, कहीं से भी आया दिल्ली जाना है और दिल्ली आके हमें एम्स में दिखाना है। हर एक बीमारी के लिए एम्स जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसका इलाज आपके पास में भी हो सकता है। हो सकता है कि लोकल टाउन में ही आपका सॉल्व हो जाए, हो सकता है कि वहाँ नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो दिल्ली के अंदर में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, छोटे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल दिल्ली सरकार ने बना रखे हैं जहाँ पर कि आपकी छोटी बीमारियों का इलाज होता है और इस तरह से आपका टाइम भी बचता है। और एम्स के अंदर में जो भीड़ लगी हुई रहती है, जो सुबह 4:30-5 बजे से लोग वहाँ क्यू में खड़े हो जाते हैं कार्ड बनाने के लिए, वो थोड़ा सा रस भी कम हो जाएगा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को बनाया ही गया है सुपर स्पेशलिटी पेशेंट के लिए, जो कि कहीं से ट्रीट नहीं हो पा रहा है वो वहाँ पर आए, उनको ये फैसिलिटी मिले, उनको बेड मिले और उनका इलाज वहाँ पर हो। डॉक्टर प्रसून की इनोवेटिव सोच ने न जाने कितने ही मरीजों की मुश्किलों को कम किया। दूर दराज से आने वाले मरीजों के लिए कई तरह की सहूलियत हुई और काफी फायदेमंद साबित हुई, लेकिन इस मुहिम में कुछ परेशानियां भी थीं। इन सब में फंड्स की जरूरत पड़ती है, फंड्स तो हमें कहीं और से तो मिल नहीं पाता था, तो जिसके कारण से हमें भी परेशानी होती थी और कि हम थोड़ा कम हेल्प कर पाते थे। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, क्यों ना आज जो अब्रॉड से पेशेंट्स आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो क्यों ना हम उनको भी फैसिलिटेट करके दो पैसे अर्न करके इस सोशल वर्क में हम लगाएं। धीरे धीरे डॉक्टर प्रसून की इस मुहिम ने देश भर में अपना नाम फैला दिया। इतना ही नहीं, विदेशों तक दिल्ली मेडिकल टूरिज्म का नाम चर्चित हो गया और आगे चल के विदेशों में रहने वाले लोगों की काउंसलिंग भी शुरू हो गई। ये 2010 में हमने वेबसाइट बनाया, 2010 जनवरी में। उसके बाद जो है हमारा रिस्पांस थोड़ा बहुत मिलना चालू हुआ, तो स्टार्टिंग में हमने फैसिलिटेट किया, अब्रॉड से पेशेंट्स आए वो कुछ चार्जेज हमें फैसिलिटेशन फी देते हैं, वो पैसे हमें इकट्ठे होने लगे। धीरे धीरे जो है अब्रॉड में भी हमारे पेशेंट्स बढ़ गए, आज के डेट में हमारे पास लगभग 100 मरीज जो है अब्रॉड से आ जाते हैं। दिल्ली मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने में और दुनिया के हर कोने कोने तक पहुंचाने में डॉक्टर प्रसून की पत्नी की अहम भूमिका रही। डॉक्टर प्रसून की पत्नी ने हर मोड़ पर, हर कदम पर उनका साथ दिया। आज डॉक्टर प्रसून की कोशिश ने कई गरीबों की मदद की है, जिनके लिए सही तौर से इलाज होना न केवल मुश्किल था बल्कि इलाज के पीछे होने वाले खर्चे भी एक अहम बात थी। डॉक्टर को भगवान मानने की बात को सच कर दिखाया है डॉक्टर प्रसून ने। पुअर पेशेंट्स को, पुअर गरीबों की सहायता करने से एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलती है जो कि महसूस की जा सकती है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। लोगों के लिए जिस तरह की मदद डॉक्टर प्रसून ने की है उसके लिए हर वो बात छोटी लगती है।
बस एक बार उन मरीजों से पूछ के देखिए जिनकी जिंदगी की उखड़ती सांसों को उनकी कोशिश ने फिर नई जिंदगी दी है। सबसे बड़ी चैलेंज तो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इंटरेक्ट करके इनके फैसिलिटी को थोड़ा सा फास्ट करना, क्योंकि ये दूर से आए हुए हैं, ज्यादा दिन तक रुक नहीं सकते, इनकी पॉकेट भी अलाउ नहीं करता है कि ये यहाँ रुक के इलाज करा सकें। तो हमें अगर गवर्नमेंट थोड़ा हेल्प करे तो हम इनको कोऑर्डिनेट करके अच्छी तरह से इनको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट फैसिलिटी का एक प्रोविजन निकाल सकते हैं। कितने ही लोगों को सहारा देकर उनकी जिंदगी को डूबने से बचाया है, कितने ही लोग बड़े अस्पतालों के दरवाजों पर दस्तक देते हैं सिर्फ इसी उम्मीद से कि उनकी परेशानियों का हल शायद यहाँ मिल सके। जिस शहर में बाहर से आए लोगों का कोई नहीं था, वही डॉक्टर प्रसून की कोशिश की वजह से ही इनके आंसुओं को दोबारा मुस्कुराने का मौका मिला है। यार ये हुई ना मतलब सही मायने में मदद, मतलब किसी को अगर सही तरीके से गाइड कर दिया जाए और उसको सही जगह दिखा दी जाए और स्पेशली उस टाइम पे जब उसको बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मतलब कितना महान काम हो सकता है यार, कितना बड़ा पुण्य का काम हो सकता है। बिल्कुल, और वैसे भी जब भी आप बीमार होते हो स्पेशली ऐसे एरियाज में जो ऐसे लोग रहते हैं जहां पर जो बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर सकते और फाइनेंशियल क्राइसिस में रहते हैं, उनकी अगर आप इस तरह से मदद करते हैं तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। एग्जैक्टली वनिता, मतलब कई लोगों के लिए क्या होता है, जैसे कई लोगों के दिमाग में होता है, कुछ हॉस्पिटल जो है बहुत ज्यादा फेमस है तो वो उनके दिमाग में रहते हैं। लेट्स से अगर मेरे पैर में दर्द हुआ बहुत ज्यादा तो मुझे सिर्फ उस फलाना हॉस्पिटल के बारे में पता है तो वहां चला जाता हूँ कि हाँ वो वेल नोन है तो मैं वहां पे जाके इलाज करा देता हूँ, और बाद में पता चले कि खर्चा बहुत ज्यादा हो गया और वहां पे इलाज भी ढंग से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो एक जो पर्टिकुलर चीज के लिए वहां पर जो जिस इलाज की जरूरत मुझे थी वो वहां पे नहीं होता, राइट। वहीं अगर ऐसे में मेरे को ऐसी मदद मिल जाए कि कोई एक ऐसा सरकारी अस्पताल जहां पे फ्री में मेरा इलाज हो रहा है उसका, और एग्जैक्टली उसी बंदे से हो रहा है, उसी डॉक्टर से हो रहा है जो पर्टिकुलर उसी चीज को देखता है, तो मेरे लिए कितनी मतलब आरामदायक चीज होगी और सही चीज होगी। बिल्कुल सही बात है, यानी डॉक्टर प्रसून आप वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, और इसको प्लीज आप कीप इट अप और डोंट वरी, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे इस मुहिम में। आई थिंक इसी नोट पे हमें एक ब्रेक लेना चाहिए। तो ले लेते हैं। तो व्यूअर्स ले रहे हैं बहुत छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, जल्दी वापस आ रहे हैं।